यूथ कांग्रेस भरमौर ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान यूथ कांग्रेस भरमौर ने श्याम ठाकुर की अगुवाई में भरमौर बाजार में रैली भी निकाली। यूथ कांग्रेस का कहना है कि जब प्रधानमंत्री सत्ता में काबिज हुए थे तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन रोजगार देना तो दूर, कोरोना के चलते कई लोगों का रोजगार भी छिन गया, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार कुछ ना कर सकी। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में जनता इसका जरूर जवाब देगी। कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लाबरू और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और उनके दिशा निर्देशों द्वारा आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम रोजगारी दिवस मना रहे हैं। साथियों, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता पर काबिज होना था तो उन्होंने देश की जनता को लोक लुभावने वादे किए थे, और उन वादों में से एक जो मुख्य वादा था, हर साल प्रदेश के जनता को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। परंतु हुआ क्या, 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो दिया नहीं, परंतु 2 करोड़ लोगों को हर साल तो अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो इसके चलते आज हम पूरी प्रदेश कांग्रेस हर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। और अगर ये सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, हमारे डबल इंजन की सरकार है, ये पूरी तरह फेल हो चुकी है। और अगर ये सरकार आगे महंगाई, बेरोजगारी और गैस डीजल पेट्रोल की कीमतों पर अब कुछ नहीं लगाती तो प्रदेश युवा कांग्रेस इसी तरह रोडों पर उतरकर अपना धरना प्रदर्शन। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर।